द अल्टीमेट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो जनरली इंडियन चाट में यूज़ होने वाली दोनों तरह की चटनियाँ। आपको मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बताऊँगी और जो ग्रीन चटनी मार्केट में जो चाट वाले बनाते हैं, बिल्कुल उसका परफेक्ट तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए दोस्तों, मैंने ये करीब 100 ग्राम इमली थी, इन्हें एक घंटा गुनगुने पानी में भिगा दिया था। अगर आपको भिगाने का टाइम ना हो तो आप क्या करें, इसमें पानी डालकर और इसे बॉईल कर लें, तो ये भी इमली बहुत जल्दी फूल जाती है। अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने बिना बीज वाली इमली ली है। अगर आप बीज वाली लें तो उसके बीज निकाल दें। अब मैं इसे एक मिक्सर में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी। वैसे तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन उससे ही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है। बस अब हम इसे एक स्ट्रेनर की सहायता से छान लेंगे। अब मैंने ले लिया एक बाउल, इस पर मैं एक स्ट्रेनर रख दूंगी, ये देखिए इस तरीके से। और इस इमली के पल्प को हम अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े रेशे और कहीं कहीं फिर भी एक दो बीज रह जाते हैं, तो जिससे वो सब अच्छे से निकल जाए और एक हमारा स्मूथ पेस्ट हमें तैयार मिल जाए। थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी, मैंने जार धोकर पानी डाल दिया है इसमें, और अच्छे से इसको छान लेंगे पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे रेशे वगैरह रहते हैं। इस तरह इमली को मिक्सी में ब्लेंड करने से क्या होता है दोस्तों, कि हमें पूरा पल्प इसका मिल जाता है। आप देखिए, बिल्कुल जो धागे और थोड़े रेशे थे वही इसमें बचे हैं, बाकी सारा पल्प हमारा निकल चुका है। हाथों से मैश करने से पूरी तरह से निकल नहीं पाता है ये, तो आप हो सके तो इसे मिक्सी में ही ग्राइंड कर लें। देखिए, हमारा इमली का पल्प एकदम अच्छे से तैयार है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले जो मैंने इमली की चटनी पोस्ट की थी उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर भी डाला था, लेकिन आज मैं जो आपको ये इमली की चटनी बता रही हूँ ये विदाउट कॉर्नफ्लोर बता रही हूँ, और इसे आप महीनों भी फ्रिज में रखेंगे तो ये खराब नहीं होगी। चलिए अपनी चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए गैस पर मैंने एक कढ़ाई को रख लिया है और अब इसमें मैं डाल दूंगी एक बड़ा चम्मच ऑयल। अब सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी एक चुटकी हींग और आधा छोटी चम्मच जीरा, और इसको जैसे ही हमारा जीरा तड़केगा मैं इसमें अपना इमली का पल्प डाल दूंगी। और पहले इसमें एक उबाल आने दूंगी। देखिए, हमारी इमली के पल्प में उबाल आ चुका है। अब इस स्टेज पर दोस्तों मैं इसमें डाल दूंगी करीब 200 ग्राम गुड़। इसको मैंने हल्का सा चाकू से क्रश कर लिया है, क्योंकि इमली हमने 100 ग्राम ली थी, इसमें क्या मीठे की जो क्वांटिटी है वो अच्छी खासी रखी जाती है, क्योंकि इमली बहुत ही खट्टी रहती है। अच्छी टेस्टी चटनी बनाने के लिए करीब 2 से 2.5 गुना मीठा हम इसमें डालते हैं। तो मैंने 200 ग्राम गुड़ डाल लिया है और 50 ग्राम इसमें मैं चीनी डालूंगी, लेकिन पहले मैं गुड़ को अच्छे से घुलने दूंगी। देखिए, हमारा गुड़ अच्छे से घुल चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी करीब 50 ग्राम चीनी, ये 4 बड़े चम्मच के करीब चीनी है। और बस अब इसमें मैं डालूंगी कुछ मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, ये मैंने कश्मीरी मिर्ची का पाउडर डाला है, इससे हमारी चटनी में बहुत ही अच्छा रेड कलर आएगा। आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, और ये 1/4 छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर भी कहते हैं। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट हमारी इस चटनी को मिलता है। बस अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से डालकर पकने दूंगी इसे। देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा रेड कलर हमारी चटनी में आ गया है। अगर आप कुछ ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं, जैसे किशमिश और मगज और थोड़े बहुत खजूर, तो आप इस समय इसमें डाल दें, लेकिन आज मैं क्या बिल्कुल प्लेन चटनी बना रही हूँ। इससे पहले वाली चटनी में मैंने किशमिश और मगज को डाला था, लेकिन आज मैं इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी, बस एक बेसिक चटनी आपको बता रही हूँ जो सभी चाट में आपके लिए यूज होगी। बस आप इसे अब लो गैस पर करीब 7-8 मिनट पकने दें, जिससे ये अच्छी गाढ़ी हो जाए। देखिए, हमारी चटनी को पकते हुए करीब 7-8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। बस इस स्टेज पर आप गैस को बंद कर दें, क्योंकि ये जैसे ही ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी होगी। अच्छा दोस्तों, मैं आज एक बहुत छोटी सी यूजफुल ट्रिक आपको बताती हूँ। मैंने इसे एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाया है। अगर आपको अपनी एल्युमिनियम की कढ़ाई चमकानी है तो आप उसमें एक बार इमली की चटनी बना लें, आपकी कढ़ाई जो है चमक उठेगी। बस इस कढ़ाई में से चटनी बनते ही आप इसे ट्रांसफर कर लें किसी बर्तन में और ठंडा होने दें।
देखिए दोस्तों हमारी चटनी ठंडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की चटनी हमारी बनकर तैयार हुई है। चटनी को अगर आप किसी कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में रख देंगे तो ये एक महीना भी खराब नहीं होती है, और आप किसी भी चाट में इसका इस्तेमाल करके उसका टेस्ट दोगुना बढ़ा सकते हैं। चलिए अब कर लेते हैं हम ग्रीन चटनी की तैयारी। चलिए दोस्तों अब हम अपनी ग्रीन चटनी बना लेते हैं। आज मैं आपको ऐसी चटनी बताने वाली हूँ जो सभी चाट के साथ एकदम परफेक्टली और बहुत टेस्टी जाएगी। चाहे आप उसे सैंडविच के साथ यूज करें या दही बड़े टिक्की किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी चटनी बनने वाली है। उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, कुछ पत्ते पुदीना के, आधा नींबू, 4-5 हरी मिर्ची, ये मैंने 4-5 कलियां लहसुन की, और थोड़ा सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और ये मैंने ली है रायते में जो हम यूज़ करते हैं ना वो वाली बूंदी, ये 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने बूंदी ले ली है। तो चलिए चटनी बना लेते हैं अपनी। सबसे पहले हम डाल देते हैं हरा धनिया, कुछ पुदीना के पत्ते, हरी मिर्चें, अदरक, 4-5 कलियां लहसुन की, ये रायते वाली बूंदी। इसको डालने से हमारी चटनी का बिल्कुल मार्केट जैसा कलर और टेस्ट आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। 1 चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, बिल्कुल 1 पिंच हींग, 1/2 नींबू का रस, और अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच दही। मार्केट वाले चटनी में दही ज़रूर डालते हैं, उससे बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर हमारी चटनी में आता है। अब इन सभी चीज़ों को डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अगर बीच में आपको ये थोड़ी गाढ़ी लगे तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारी चटनी पिसकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ग्रीन कलर और टेक्सचर हमारी चटनी का आया है। देखिए दोस्तों हमारी दोनों तरह की चटनियाँ चाट में यूज़ होने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं, आप इमली की चटनी का टेक्सचर भी देख सकते हैं, कितनी अच्छी और टेस्टी चटनी हमारी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाइए ये शानदार चटनियाँ और इन्जॉय कीजिए अपनी चाट को। धन्यवाद।